नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्यनाथ झा, इंस्पायर्ड टू हिंदी से, और ये है थॉमसन का बूम बॉक्स BBX03 स्पीकर। हाँ जी, ये उसी प्रकार का स्पीकर है जिसको आप कंधे पे लेके दुनिया भर की सैर कर सकते हैं और तेजी से अपने फेवरेट गाने सुना सकते हैं सबको और खुद भी सुन सकते हैं। तो ये एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है थॉमसन द्वारा, और मैंने इसको पिछले एक दो हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है और काफ़ी ज़्यादा इस पर गाने सुने हैं। और क्या एक बढ़िया प्रोडक्ट है कि नहीं, ये हम आपको बताएंगे अंत तक। तो शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। और इसके काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे बॉक्स पे लिखे हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है, 35 वॉट का इसमें स्पीकर जो है वो दे रखा है, इक्वलाइजर मोड इसके अंदर है, कैरियोके मोड है इसमें, 2000 mAh की इसके अंदर बैटरी है, और बाकी इस पर काफ़ी सारी और भी अन्य डिटेल्स लिखी हुई है साइड पे, राइट और लेफ्ट पे। आइए अब इसको ज़रा खोल के देखते हैं। और वेट वगैरह भी दे रखा है 3800 ग्राम्स, यानी कि 3.8 किलो ये वे करता है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। आइए ज़रा अब इसको खोल के देखते हैं कि आपको अंदर क्या क्या मिल रहा है। क्या बात है, अंदर इन्होंने सबसे पहली चीज़ जो दी है एक स्ट्रैप दिया है जिसकी मदद से आप इसको उठा के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो अंदर सबसे पहली चीज़ जो मिलती है वो मिलते हैं ये स्पीकर्स, और इसके अलावा अंदर और क्या क्या मिलता है ज़रा वो भी देखते हैं। तो स्ट्रैप की मदद से इसको पहले थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तो अंदर आपको मिल रहा है इसके अलावा एक काफ़ी बढ़िया सा इसके लिए रिमोट, जो कि कंट्रोलिंग रिमोट है इसके लिए, मोड, लाइट, इक्वलाइजर, वॉल्यूम, स्कैन, FM रेडियो भी है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको जो केबल मिल रही है, एक ऑक्स केबल मिल रही है साथ में, और इसके अलावा अंदर एक मिल रहा है आपको माइक्रो USB टू USB-A केबल, जिसका आप शायद से प्रयोग कर सकते हैं इसके साथ चार्ज करने के लिए। और अंदर और एक और चीज़ तो मिलेगी ही मिलेगी, जिसके बिना भैया काम तो चलता नहीं है, वो चीज़ है इसके लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल, यानी कि यूज़र मैनुअल। भैया हम लोग इंजीनियर लोग हैं, हम थोड़ी पढ़ेंगे बैठ के। चलो आगे देखते हैं और क्या क्या अंदर। और अंदर आपको एक मिल रहा है एक बढ़िया सा स्टिकर, जिसके बारे में उन्होंने बोला था यूथ मशीन। क्या बढ़िया स्टिकर है यार, ये मेरा तो दिल कर रहा है मैं अपने गिटार पे स्टिकर चिपका लूँ। अलग ही डिज़ाइन, अलग ही स्टाइल, काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है पूरी चीज़ के बिल्ड और क्वालिटी पे। और ये प्लास्टिक मटेरियल है, बट फिर भी काफ़ी हद तक प्रीमियम फील हो रहा है। अब जैसा कि आप इस साइड देख सकते हो, भाई साहब कितने सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। एक TF कार्ड के लिए स्पेस है यहाँ पे, ऑक्स इन आप घुसा सकते हैं, माइक्रोफोन घुसा सकते हैं, ऑन ऑफ ये रहा यहाँ पे, चार्जिंग के लिए DC 5 वोल्ट इन, वॉल्यूम, इको, माइक की वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं, मोड, लाइट, TWS, EQ, बहुत सारे बटन्स FM के लिए, ऑटो स्कैनिंग के लिए, और इससे आप रिपीट भी कर सकते हैं और इससे आप प्ले पॉज भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे कंट्रोल्स इन्होंने दे रखे हैं। और इस तरफ से देखें तो ये है इसका फ्रंट, जो स्पीकर का फ्रंट है वो ये रहा, एकदम गजब। और जैसे कि यहाँ से दिख रहा है डिज़ाइन काफ़ी सुंदर सा है स्पीकर के फ्रंट से, और बूम बॉक्स वाली फील पूरी एकदम। तो यार अनबॉक्सिंग हो चुकी है और ये प्रोडक्ट जो है बाहर आ चुका है, इसको इस्तेमाल किए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अगर इसके बारे में और डिटेल्स आपको बताऊं तो एक 35 वॉट का स्पीकर है, और अगर आपके पास इसके जैसे दो हो तो आप उनको पेयर में यूज़ कर सकते हैं TWS फंक्शनैलिटी के साथ, और आपको एक 70 वॉट्स का स्टीरियो स्पीकर आउटपुट मिलेगा। बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है अगर आप इसको 40% वॉल्यूम के करीब पे बजाते हैं। तो मैंने इसको सुबह 9 बजे बजाना शुरू करा और ये 4:30 बजे तक शाम के बज ही रहा था लगातार, तब जाके इसकी बैटरी डेड हुई। तो आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी मिलेगी, और मैक्सिमम वॉल्यूम पर अगर सुनने लगेंगे तो मैक्स वॉल्यूम तो इसका बहुत हाई जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वही जो 7 घंटे के करीब की बैटरी लाइफ है वो मिल ही जाएगी। और अगर आपको मतलब थोड़ा कम बैटरी लाइफ चाहिए पूरा फुल वॉल्यूम है तो भी आपको 3 से 3.5 घंटे बड़े प्यार से मिलेगा। और इसका जो मैक्स साउंड आउटपुट है वो एक्चुअली में गुंजा देने वाला है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज लगी मुझे इसकी। जो इस पे यार इस साइड पे कंट्रोल पैनल दे रखा है, इसमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बटन्स हैं जिनसे आप FM स्टेशन चेंज कर सकते हैं, लाइट मोड चेंज कर सकते हैं, डिलीट या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अंदर आप एक माइक्रोफोन भी लगा सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह व्यक्ति है जो कि गिटार वगैरह बजाने का शौक रखते हैं तो आप इसको एक पोर्टेबल एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे कि आप अपने गिटार में केबल लगाइए और इसमें केबल लगाइए, इसको ऑन कीजिए और बड़े ही प्यार से इसमें गिटार बजाइए। तो अगर आपको मतलब जैसे पोर्टेबल एम्पलीफायर चाहिए तो इसको आप टांगिए, अपना गिटार ले चलिए, इलेक्ट्रिक गिटार,
केबल ले चलिए, कहीं पे भी आप बैठिए, लगाइए, कनेक्ट कर लिए, आपको एक पोर्टेबल एम्पलीफायर मिल गया इतने सही सस्ते प्राइसिंग में। ये एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फीचर है और बहुत सारे लोग जो कि म्यूजिशियंस हैं वो इस बात को ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल्स दे रखे हैं, इको कंट्रोलर साइड में उस समय के लिए जब आप दर्द भरे गाने अकेले गाने की कोशिश कर रहे होंगे या कैरियोके मोड का इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें इसमें बहुत ही सही तरीके से दे रखी हैं। और इसके अलावा इसमें माइक्रोफोन का भी वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए नॉब दे रखा है। साइड में आप देखेंगे तो पूरी डीजे वाली फील आ जाएगी, इतने सारे बटन्स और छोटे छोटे कंट्रोल्स दे रखे इन लोगों ने, तो वो एक बढ़िया चीज़ है। इसकी सामने की तरफ आप देखेंगे एकदम मस्त फ्लैशिंग डीजे वाली लाइट्स, इसमें आरजीबी टाइप की लाइट्स दे रखी हैं और उनको भी आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, तो वो एक बढ़िया फीचर है। जब थोड़ा सा आपने लाइट कम कर रखा हो तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा होता है। इसके अंदर यूएसबी पोर्ट भी दे रखा है साइड पे, तो यूएसबी पोर्ट से भी म्यूजिक प्लेबैक को सपोर्ट करता है। साउंड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो साउंड क्वालिटी मुझे काफी हद तक अच्छा लगा, क्लैरिटी बहुत सही है। मैक्सिमम वॉल्यूम पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो बहुत ही बेस वाले गाने होते हैं उसमें हल्की सी बिल्कुल डिस्टॉर्शन सुनाई देती है, बट मैक्स वॉल्यूम पे भी आवाज की क्वालिटी काफी हद तक बढ़िया है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जिसको साउंड क्वालिटी से बहुत ज्यादा प्यार है तो भी आपको स्पीकर काफी पसंद आएगा। अभी के लिए थॉमसन बूमबॉक्स BB103 का प्राइस चल रहा है 4,999 रुपये flipkart.com पे, और जिस प्राइसिंग पे यार ये चीज़ उपलब्ध हो रही है और जिस तरीके की फीचर पैक इन कर रहा है, जैसी इसमें बैटरी लाइफ है, आप इसको पोर्टेबल गिटार एम्प के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो और आप इसको लेके गली मोहल्ले में घूम के एकदम मस्त पार्टियां भी कर सकते हो, तो इतना सब कुछ मिल रहा है यार, तो वो चीज़ 5,000 रुपये की प्राइसिंग पे आई थिंक वर्थ इट है, बहुत सही है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो अभी एक पोर्टेबल लाइक ब्लूटूथ स्पीकर टाइप का सेटअप लेना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो अपने साथ पार्टी को लेके घूमना चाहते हैं, तो ये रही पार्टी, इसको अपने साथ लेके निकल पड़िए कहीं पे भी। और ये काफ़ी सही प्रोडक्ट लगा मुझे अपने पर्टिकुलर प्राइस रेंज में। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी दे रही है उसको श्रद्धालु के लगा दीजिए, और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।